नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। जैसा कि आज का जो कार्यक्रम था वो कृषि बजट को लेकर उदयपुर में संभाग स्तर की जो मीटिंग हुई है उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद में कुछ सुझाव हैं जो राजस्थान सरकार के साथ में साझा करना चाहेंगे। जैसा कि आज किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर इस सेमिनार में भाग लिया और उन्होंने सबने अपनी राय को रखा है कि किस प्रकार का बजट, कृषि बजट इस बार आना चाहिए। ये भारत के सभी राज्यों के लिए भी एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव मैं मानता हूँ। वो इस हिसाब से है कि कोई भी सरकारी योजनाएं बनती है तो संबंधित जनता को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कृषि विभाग का बजट बन रहा है तो किसानों को इसमें शामिल किया गया है, कृषि विभाग उसमें शामिल था और यहाँ तक कि जो कृषि विभाग के जो मंत्री हैं लालचंद जी कटारिया वो भी शामिल रहे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही शानदार पहल थी जिसमें कि किसानों को शामिल किया गया कृषि विभाग के, और जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके VC साहब भी उसमें उन्होंने सुझाव के रूप में दिए हैं। तो इसमें सभी ने अपनी अपनी तरफ से सुझाव देकर कृषि बजट को एक समन्वित बजट बनाने की कोशिश की है ताकि जो ग्राउंड लेवल पे काम किया जाना चाहिए या ग्राउंड लेवल पर जो नीतियाँ निकल कर आनी चाहिए कि जनता से जुड़ी हुई कोई भी नीति कैसे होगी, जब तक किसान या जो जनता है उसका पार्टिसिपेशन उन नीतियों के निर्माण में नहीं होगा तब तक कोई भी पॉलिसी बनेगी उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह की ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को लेकर कई बार जो प्रॉब्लम्स आती है वो तभी आती है कि कोई ऐसी नीतियाँ जिसमें जनहित शामिल नहीं होता है, जनता शामिल अगर नहीं होती है उन सभी नीतियों का हल यही हो जाता है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बात है, किसान मित्र किसान भाई हमारे साथ में हैं और आज इनसे संवाद करेंगे, जानेंगे कि आज वो राजस्थान कृषि महाविद्यालय में जो आयोजन किया गया था उसमें आए तो उन्होंने क्या सुझाव रखे हैं, क्योंकि ये जो कृषि बजट इस बार जो आने वाला है सरकार का, उस कृषि बजट में किसानों की आवाज़ को सुना गया है सरकार के द्वारा। तो देखते हैं कि हमारे साथी जो किसान भाई है उनसे परिचय करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम नानालाल गुजर जी, ग्राम मोगाना है, ग्राम पंचायत सालोर, पंचायत समिति देलवाड़ा, नादवारा तहसील नादवारा जिला राजसमंद है, और CP जोशी जो हमारे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं। तो ये किसान भाई जो कि आप देख रहे हैं देलवाड़ा राजसमंद से बताए जा रहे हैं और अपना परिचय इन्होंने दिया है, और एक किसान के रूप में इनके कुछ सुझाव हैं जो उन्होंने इस सेमिनार में दिए हैं जो कि राजस्थान सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज़ को सीधे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आज आपकी मुख्य किन बातों पर आपने क्या सुझाव दिए, मैं चाहूँगा कि आप सिलसिलेवार एक बाय एक बताएं ताकि आपकी बात, आपके सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचें और आगामी जो बजट है उसमें सरकार ये निर्णय ले सकें कि जो योजनाएँ लागू की जाती है या जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसान की सोच पर आधारित होने चाहिए, न कि वहाँ किसी AC रूम में बैठकर जो लोग निर्णय लेते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल के कि किसान हमारा क्या सोचता है प्रदेश का, उनके ऊपर आपके सुझाव आमंत्रित हैं। एक तो सर का कृषि खराबा का जो बीमा स्तर है वो तहसील स्तर से होता है। अच्छा। पूरी तहसील में अगर नुकसान होता है तो उसका है जो किसान को बेनिफिट मिलता है, बाकी मिलता ही नहीं। अच्छा। इसे व्यक्तिगत खेत से किसान से अगर जोड़ा जाए कि भाई इस किसान का ये खेत है ये खराबा है उसको बीमा है, किसान को डायरेक्ट मतलब किसी माध्यम से सहकारी समिति के माध्यम से या किसी बैंक में बैंक के माध्यम से डायरेक्ट मिलना चाहिए जी, सीधा। अभी जो मिलता है वो सामूहिक रूप से होता है, सामूहिक रूप से। अच्छा। जो वो सामूहिक रूप से पूरी तहसील स्तर पे क्रॉप कटिंग कराते हैं और कुछ है जो बीच में और कुछ बाद में ले लेते हैं, वो एक ही किसान की अच्छी पैदावार होती है, दूसरे किसान की कम पैदावार हो या रोजड़े सुअर खा जाएं या कोई नुकसान तो हो जाए जो तो उसका इंडिविजुअल एक किसान के वहाँ क्या नुकसान हो उसका आकलन नहीं हो पाता, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए जो मतलब हर किसान का आकलन किया जाए और हर किसान का व्यक्तिगत खेती का बीमा हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अगला सुझाव बताइए आपका। जो अभी वर्तमान में जो किसानों को ज़्यादा परेशानी है, रोजड़ा और सूर वो फसल नष्ट कर देते हैं जी जी। और किसान रात भर अपनी निगरानी रखते हैं तो सूअर है जो अपनी फसल को नष्ट कर देते हैं। जबकि मैं बताता हूँ कि सूअर जो है तारबंदी करते हैं, उसमें अंदर नीचे तो खोद गए जो सूअर चले जाते हैं। मेरे अभी 4 बीघे की फसल लगे उसमें एक भुट्टा भी मैंने ला के नहीं खाया, सूअर ने खा लिया। अच्छा। इसलिए मेरा सुझाव है कि बाउंड्री जाली व्यक्तिगत खेत पर छूट देकर लगें, क्योंकि पहले सरकार ने इसका बजट बना रखा है
मतलब 16-20 एकड़ पर, वो 20 एकड़ किसान की उपलब्ध जमीन नहीं है। खे हम राजसमंद के छोटी जोत के किसान हैं, उनको व्यक्तिगत मतलब जाली या बाउंड्री वाल का, जाली में भी है जो सुअर घुस जाते हैं, लेकिन अगर बाउंड्री वाल या कुछ ऐसी व्यवस्था हो तो कि सुअर नुकसान नहीं करें, और इनके लिए सरकार की ओर से वन विभाग की ओर से सुझाव दे के इनके सुअर और इन रोजड़े को बंद कराए जाएँ तो किसान इसका फ़ायदा उठा सकेगा। ठीक बात है, मैंने भी कुछ अपने सुझाव दिए हैं कि इस बार के जो बजट में खासकर जो बीज वितरण होता है मिनी किट के तहत, उस बीज वितरण में बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही साथ में जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों का दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो लगता है कि ऊँट के मुँह में जीरा की तरह है, एक तरह से बहुत ही कम मात्रा होती है जो कम लाभार्थियों तक पहुँच पाती है, जबकि किसानों को जो बीज की उपलब्धता है वो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए और उन किसान ज़्यादा संख्या में इससे लाभान्वित होने चाहिए। इसके अलावा मैंने एक देशी बीज बैंक के ऊपर बात की है कि देशी बीज बैंक या जैविक बीज बैंक की स्थापना अगर सरकार पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर करती है, तो कोई भी किसान अगर देशी खेती करने में इच्छुक है या कोई भी व्यक्ति जैविक खेती कर रहा है तो उसके उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक मंच मिलेगा, और वहाँ से बाकी आमजन भी उस बीज बैंक से या उस जो जैविक खेती का जो बनेगा वहाँ से एक तरह का उनको सपोर्ट मिलेगा, वो भी अपनी चीज़ों को खरीद सकेगा। मैंने जो पॉइंट रखा है वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है कि वो किसान जो अपना अनाज या सब्जियां है या कोई भी जो फसलों का उत्पादन है वो अगर 20 किलोमीटर के दायरे तक लेके जाता है तो 20 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले किसानों को ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, मैंने उसमें एक सुझाव के रूप में दिया है। और ये जो सुझाव है वो मैं माननीय जो प्रमुख शासन सचिव कृषि हैं उनको भी दे चुका हूँ, कि उम्मीद करता हूँ कि ये सुझाव ज़रूर मतलब उसमें जो पॉलिसी मेकिंग में काम आएंगे। इसके अलावा भी मैंने कुछ जैसे वर्मी कंपोस्ट के ऊपर मैं फ़िलहाल काम भी करता हूँ, और इसके ऊपर सुझाव ये है कि अभी जो वर्मी कंपोस्ट का जो शेड बनाते हैं उसका, और जो पक्का जो बनाते हैं गड्ढा उसका, सीमेंटेड जो एक तरह से वो ट्रेंच बनती है उसका पैसा मिलता है, लेकिन अगर कोई किसान अगर झोपड़ी में बनाना चाहता है, अगर समतल ज़मीन जो कठोर है वहाँ पर कंपोस्ट बना के पैदा कर रहा है तो उसको भी सब्सिडी के रूप में मिलना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे कुछ बुनियादी चेंजेस उस स्कीम में होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ पक्की अगर ट्रेंच बनती है, बेड बनती है, उसी का पैसा मिलता है और जो शेड बनाते हैं उसी को, तो यहाँ पे किसान अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम करता है कि उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुरूप वो काम करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से उसमें सब्सिडी उसको दी जानी चाहिए। बिजली संबंधी सुधार, हमारे को अभी 6 घंटा बिजली दे रहे हैं, अभी इस साल तो पानी पर्याप्त नहीं है, फिर भी है जो मतलब 6-7 घंटे बिजली दी जाए जी। और सरकार ने जो DP मतलब जल जाती है किसान के या चोरी हो जाती है किसान की, रात को है जो रात में चोर है पेट्रोल डीजल ये वो ऑयल ऑयल निकाल के ले जाते हैं और DP को ख़राब कर देते हैं, चोर लोग चोरी करते हो जाती है, उसमें सरकार ने 72 घंटा का जो नियम बना रखा है कि भाई 72 घंटे में किसान को DP दूसरी लगनी चाहिए, उसमें जमीन स्तर पर क्रियावंत नहीं है, क्रियावंत नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो मतलब अगर इसको प्राइडेट से लागू किया जाए कि 72 घंटे में किसान को DP लगे, किसान ऐसी फसल पैदा करता है जो 3 दिन में पानी चाहिए, 4 दिन भी चाहिए, और 15-15 दिन तक किसान है जो अपने विभागों के चक्कर लगाता रहता है, DP नहीं लगती है, और उसके फ्यूज 3 घंटे का है जो सरकार ने निर्देश दिया है, पंचायत स्तर से किताब भी दे रखी है उसमें पढ़ो कि भाई 3 घंटे में फ्यूज बांधना चाहिए, पर विभाग द्वारा लेट लतीफ से पूरा दिन है जो किसान का खराब हो जाता है, फिर भी है जो फ्यूज़ बन गए हैं, मतलब मोटर वापस दोबारा चालू नहीं होती है, इस पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट अगला, पिलाई के साधन से मतलब सामुदायिक 5 किसान या छोटी जोत है, 5 किसान मिलके एक ट्यूबवेल होए, पानी का जलस्तर नीचे जाने की वजह से ओपन वेल काफ़ी लागत आती है, पानी नहीं मिलने पर भी उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए 5 किसानों छोटी जोत के हिसाब से सामूहिक बना के एक ट्यूबवेल अगर मतलब उसमें छूट दे के खुदवाई जाए तो किसानों का आर्थिक स्थिति मतलब मजबूत सुधर सकती जी। तीसरा है सौर ऊर्जा को ज़्यादा बजट दिला के ताकि हर किसान को एक सौर ऊर्जा मिले, सौर ऊर्जा लगे तो अपनी बिजली पैदा करके खुद किसान
स्वयं सरकार को भी दे सकें, तो ऐसी हर आदमी के लिए प्राइवेट छूट होनी चाहिए। खेती में पशुपालन किसान मुख्य कार्य, उसमें पशु नहीं होता है तो किसान खेती सक्षम नहीं कर सकता है, और देसी खाद नहीं होता तो खेती नहीं हो पाती है, तो पशु और खेती नहीं होती है तो पशुओं को घास कुटी खागला नहीं मिलने पर भी किसान पशुपालन बराबर नहीं कर सकता है। पशु आहार की पूर्ति नहीं करने के लिए किसान नहीं कर सकता है। अच्छी नस्ल के पशु देवें, कृत्रिम गर्भाधान करावें और नाबार्ड बैंक से किसानों को विधिवत मतलब छूट दिवाकर छूट होनी चाहिए। जो किसान सहकार समिति दूध को बराबर देना, उसमें भी उसी किसान को, ताकि दूध रेट और फैट किसान को सही मिलनी चाहिए, और उसमें हर यूनिट पे किसान को मतलब इलेक्ट्रिक ये लेब लगा रखा जहाँ फैट का वो है, जो डायरेक्ट मतलब किसान दूध डाले और वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ताकि ये जो कोई आदमी लगा है उसमें फैट आ जाए, छेड़छाड़ नहीं हो बिल्कुल। और इसमें काफ़ी सचिव लोग छेड़छाड़ करके किसानों का औने पौने दाम में दूध खरीदते हैं, उसका जो फायदा मतलब सहकार समिति का सेंटर सचिव उठाता है बिल्कुल। और किसान है जो उसमें, और उसमें सबल योजना में 2 रुपया है, अभी किसानों के लिए 5 रुपया होना चाहिए, 20 रुपये में एक बोतल मिलती है पानी की, फिर भी दूध है जो हमारा सेंटर पे 20 रुपये किलो और 25 रुपये किलो पड़ती है, क्योंकि गाय की फैट 4 रुपये, 4 फैट से ज़्यादा नहीं आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये तो 24 रुपये है जो किसान को मिलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए है जो मतलब एक पानी की बोतल का 20 रुपया हम देते हैं, तो बाज़ार में जाते हैं कभी कभी हमारा तो खेत पे पीते हैं, लेकिन बाज़ार में जाते हैं तो उसका 20 रुपये खुलाते हैं। हमारा दूध 1 लीटर दूध हम सुबह से शाम तक उस मवेशी की मेहनत करके पैदा करते हैं, उसको सही मूल्य शाम को नहीं मिलता है, इसलिए इस पर है जो विशेष मतलब सरकार ध्यान दें सुविधा। वो भूमिहीन किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है लेकिन दूसरे किसानों के खेत में काम करते हैं, सिजारी का काम करते हैं, भावड़ी का काम करते हैं, उन किसानों को भी एक किसान का दर्जा मिले और कृषि की जो भी योजनाएं हैं उनसे वो लाभान्वित होने चाहिए। इसके अलावा जो बड़े बड़े कस्बों में या शहरों में जो गार्डन्स हैं, उन गार्डन्स में काम करने वाले जो एक तरह से जो माली होते हैं उनको भी किसान का दर्जा मिलना चाहिए। जंगलों में वनोत्पाद को वहाँ से इकट्ठा करके बाज़ार तक पहुँचाने वाले उन सभी लोगों को भी किसान का दायरे में लाना चाहिए, और किसान से जुड़ी हुई जो भी कृषि नीतियाँ हैं उससे उनको लाभान्वित किया जाना चाहिए। सरकार की योजनाएं हैं कि जैसे मेवाड़ का एक आंकड़ा वहाँ पर सुनने को मिला था कि 95% किसान उदयपुर संभाग का वो एक तरह से सीमांत कृषक है, लघु कृषक है। ऐसी स्थिति में किसान की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं सब बड़े बड़े किसानों के लिए है, मतलब उन तक लागू होती है, तो कुछ ऐसी योजनाओं को धरातल पर लागू करना होगा कि मेवाड़ जैसे भूभाग, एक पहाड़ी भूभाग में किस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ग्राउंड लेवल पर अभी भी बहुत ही बारीकी का काम है। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय लालचंद कटारिया जी इसको विशेष गंभीरता से लेंगे और योजनाओं के सुचारू जो भी सुझाव आए हैं उनके ऊपर गौर करके एक उचित, एक जनहितेशी बजट को लाने की कोशिश करेंगे। मिलनी चाहिए। अगला सुझाव दूसरा है नन संबंध, जो राज संबंध में नन संबंध बना हुआ है नादवारा में, वो जो नमाड़ा फीडर से व्यर्थ पानी मातृगुंडा काफ़ी तरह उस नहर में मातृगुंडा तक व्यस्त जाता है, उसको वर्षा के मौसम में, क्यों कि हम सरकार से ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा किसान भी मारे जाए, क्योंकि उनका जब बांध बना और नहर बनी उसे मतलब क्राइटेरिया मतलब तय हुआ बिल्कुल, उसको नहीं मार के व्यर्थ पानी जो जाता है, तो हमारी ये 10 पंचायतें जो ग्राम पंचायतें देलवाड़ा में आती है और खमनौर में भी कुछ पंचायतें आती है, उसको है जो नहर खाली खुद के चौमासे का व्यर्थ पानी उसमें छोड़ा जाए जी जी। तो हमारा जलस्तर बढ़ेगा, किसान की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों ये नाना लाल जी जो कि देलवाड़ा से हैं, राजसमंद से, और बहुत ही सराहनीय इन्होंने सुझाव दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि कृषि बजट पर इस बार काफ़ी बारीकी से काम देख रहे हैं और कृषि विभाग बहुत ही सक्रिय है जिसमें किसानों को शामिल किया गया सुझाव के तौर पर, तो ये हमारे सामने हैं किस प्रकार के सुझाव दिए होंगे वहाँ पे प्रमुख शासन सचिव कृषि और संबंध अधिकारी जो भी जॉइंट सेक्रेटरी है वगैरह वो सभी अधिकारी उसमें शामिल थे। तो इस बार का जो बजट बनेगा उसको लेकर किसानों में एक बड़ी उम्मीद है कि शायद किसानों को इस बार कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस जो सेमिनार ये हुआ, उस सेमिनार में बहुत तरह के अलग अलग किसान आए और उन्होंने ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन को, उनके सुझावों को इस तरह से दिया है, वो सुझाव बजट में पूरा समाकलित किए जाने की पूरी उम्मीद है इस बार।
तो हमारे साथ थे नाना लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को बताया। ऑनलाइन है जो मतलब मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मतलब मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए और हमारे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी तक पहुँचाए, जो हमारा सुझाव हमें लगे कि हमारे किसान भी कुछ जागरूक हैं और वो